जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरदास। और आज मैं बना रही हूँ, ये है तिल। मैं वाइट तिल को जो है भून रही हूँ। ये आधा कटोरी तिल है और आज हम तिल का हलवा बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनता है। ये देखिए, मैंने तिल को जो है हल्का हल्का ये भून लिया है ब्राउन होने तक। मतलब ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है आपको, भून लेना है। और अब हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे बारीक पेस्ट। और अब मैंने कढ़ाई में घी डाल लिया है और हल्का गर्म होने पर अब हम इसमें डालेंगे आधा कटोरी से कम सूजी। ये देखिए, ये सूजी मैंने डाल दी है। और अब हम अच्छे से जो है सूजी को भून लेंगे हल्का ब्राउन होने तक। ये देखिए, यहाँ पे ब्राउन हो चुका है। और अब हमने जो तिल को पीस के रखा है, मैंने उसमें पानी मिला के पेस्ट बना लिया है। और अब हम जो तिल वाला पेस्ट है वो इसमें डाल देंगे। और साथ ही साथ अब हम इसमें डाल देंगे चीनी भी। और अब हम इसमें डाल देंगे, ये नारियल है पिसा हुआ। और इसमें डाल देंगे हम केसर वाला पानी जो मैंने पहले से भिगो के रखा था। इसको अच्छे से आप चलाइए। और ये देखिए, ये हलवा बन के रेडी है। और अब हम इसे गार्निश करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे बादाम कटे हुए, साथ में हल्की फ्राइड चिरौंजी, साथ में काजू और पिस्ता। और ये बन चुका है तिल का हलवा। तो ये हलवा आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। आप चाहें तो ये जितने भी आपने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं आप इनको घी में तल के भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैंने गार्निश करके डाला है, बहुत अच्छा लगता है इसका फ्लेवर। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। और आज मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त थी इसलिए मैं वीडियोज़ नहीं बना पाई। तो इसलिए आपके लिए ये एक रेसिपी और दी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें और हमारे प्यारे लालाओं को ज़रूर खिलाएं। तो खूब सारा प्रेम, राधे राधे।